सोशल मीडिया पर एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मेवाट में जो घटना हुआ वो शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी कि साफ साफ हिंदुओं के द्वारा। इस केस में टोटल 93 एफआईआर्स हुई है। तो सच जानने के लिए इन एफआईआर्स की हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पहला एफआईआर डिप्टी मजिस्ट्रेट अबीद हुसैन की है, जिसमें लिखा है कि एक खास समुदाय के 700 से 800 लोग अचानक सड़कों पर आए और सभी यात्रियों पर पथराव करने लगे और अवैध हथियारों के साथ जानलेवा हमला किया, और एक दूसरे स्थान पर 500 लोग की भीड़ 400 से 500 यात्रियों को मंदिर में घेर लिया, और इसके बाद 400 से 500 की भीड़ ने लोगों को जान से मारने के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। एक दूसरा एफआईआर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने की, इस एफआईआर के अनुसार एक विशेष मजहब के 800 से 900 लोग डंडे पत्थर और अवैध बॉम्ब और हथियार के साथ पहाड़ों के रास्तों से शिव मंदिर में जलाभिषेक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस पर ही पथराव होती है, और पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारों के साथ इन्होंने शोभा यात्रियों को मारने का प्रयास किया, जिसके वजह से कई शोभा यात्रियों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। और अन्य एफआईआर के अनुसार 100 से 150 लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और गोलियां चलाई गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो कि पुलिस के पास भी नहीं थी, लेकिन न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स गलत नैरेटिव सेट करने के लिए गलत न्यूज फैला रहे हैं। तो मेरे को बस ये कहना है कि न्यूज चैनल के चक्रों पर मत पड़िए, आप खुद पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर एफआईआर पढ़कर रिपोर्ट्स पढ़कर खुद सच जाने कि क्या सच है और क्या गलत है, और इन सब सो कॉल्ड न्यूज चैनल को बायकॉट करें।